मैं तुहाडा अमर सिंह मरिंडा असी अज पहुंचे हैं जी मरिंडे दाणा मंडी दे विच जिथे एक शिवनाथ दंगल कमेटी वालों एक कुश्ती दंगल हो रहा जिस दे विच इस दे विच अलग अलग तरह के पहलवान पहुंचे हुए हैं तो इदा के कुश्ती दंगल जरूर होने चाहिए है क्योंकि अपना अजकल की नौजवान पीढ़ी नशिया के लगी हुई है। इदा के दंगल जो होंगे तो अपने जो नौजवान पीढ़ी है उन्होंने नशिया तो दूर रहने की सेध मिलती है। बाबू निर्मल सिंह जी जो कि परविंदर पहलवान जी के पिता जी ने भी साढ़े बिच बैठे ने बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम नहीं है नोट करो 5-5 मिनट का समय पहलवान जी ने बार बार पहुंचो भाई मोर आलमगीर हरविंदर डुमसरी भाई मोर आलमगीर हरविंदर डुमसरी चलो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोनू सरपंच जी फतेहपुर तो साढ़े वीर ढोलन माजरे वाले सोनू चन्नी जी स्टेज पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोनू सरपंच जी फतेहपुर तो साढ़े वीर ढोलन माजरे वाले सोनू बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोनू सरपंच जी फतेहपुर तो साढ़े वीर ढोलन माजरे वाले सोनू आलमगीर नवे पिंड तो बॉबी जी इंस्पैक्टर पंजाब रोडवेज इंस्पैक्टर अपना भाई नरेंद्र डुमसरी फारूक गरसा ये तैयार है मल भाई समित खन्ना तैयार है समित खन्ना विवेक यार बहुत लेट है तुसी हैं भाई पहलवान भाई नूर पहलवान आलमगीर तैयार हो जाओ हरविंदर डुमसरी ए मल जेड़े तैयार हो जाएंगे अनमोल खन्ना हर्ष डुमसरी शाही पहलवान बेतेल गोटे पा के शरीर गरमा के बिलकुल तैयार कि जो लोहा कटदा लोहे भांबर मचिए न्यारियां दा राजे केले हौसले की जित होंगी मुल पैंदा नहीं फोके ललकारियां दा मुल पैंदा नहीं फोके ललकारियां दा सामने देखो कि रखी दाता हाथ इन्हां दे सिर ते मेरां दा पहलवानी करना शौक पंजाबी शेरां दा पहलवान परमिंदर सिंह जी डुमसरी जी ने मान सम्मान दी गल होनी है अगला मान सम्मान जो होना है पहलवान परमिंदर सिंह जी डुमसरी होना है
मैं बेनती करा मैं फोटो करा भुपिंदर सिंह जी मार्च कमेटी सरहद तो हरविंदर सिंह जी सरदार हरविंदर सिंह जी मार्च कमेटी सरहद तो वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मरिंडा ने उन्होंने चाहना शुरू तो रही है खेडां दे वाले पासे क्योंकि उन्होंने फादर पहला पंडित शिव कुमार जी खेडते रहे ने कबड्डी भी खेडी है घुलते भी रहे ने कुश्ती करते रहे ने ते उन्हां दा बेटा जिहड़ा बड़ा होनहार बच्चा साडा वो भी कुश्तियाँ लड़ता है सो इस परिवार का बड़ा योगदान है पंजाब खेड है पंजाब नू तरक्कियां वाले पासे ले जाउण वाला खेड मेला है सो मैं चाहना परमात्मा इहनू होर तरक्कियां बख्शे ते मान सम्मान बख्शे इस तरह पंजाब नू हरिया भरिया बनिया रहे परमात्मा बना के रखे ते साडे जिहड़े चरणजीत चन्नी जी हैं ते इहदे नाल नाल सरदार बंत सिंह कलारा जिन्हें भी मैंबर साहबान ने कुश्ती दंगल दे वो सारे नूं मैं इस गल की बधाई भी दिंदा हाँ अते परमात्मा दे चरणां विच बेनती करना परमात्मा इन्हों चढ़दी कला विच रखे तो इस तरह यही सुनेहा सारे पंजाब हरियाणे विच दिता जाए तो दंगल हुंदे रहन ए पूरे पंजाब हरियाणा हिमाचल सारे अपने भलवान इकट्ठे हो के आए हैं ये बहुत वधिया तरीके नाल कुश्ती दे जौहर दिखा रहे हैं तर नशियां तो असी बहुत बड़ा उपराला करिया है भी लोग इन्हां नूं देख के अपने बच्चों नशियां तो वो करके मतलब नशियां तो मुक्त करके इधर भलवानी करनी प्लेयरां करनी क्योंकि साढ़े पंजाब दे हिंदुस्तान दे एशिया च कोई मैडल नहीं आ रहा यही कारण है कि साढ़े ज़्यादा बच्चे जिहड़े आ नशियां च हैं प्लेयरां च घट है अच्छा सरकार नूं भी चाहिए भी सरकार प्लेयरां दी एडी कदे कोई उन्होंने कोई पैसे दी कासे दी खाड़ियां नूं सहायता नहीं करी भी ये भी जरूरी है अजकल खुराकां भी बहुत महंगीयां सरकार नूं भी इन्हां वल ध्यान जाना देना चाहिए कल्ले विकास करनी नहीं ये भी सब तो बड़ा विकास है जे जे आपां इन्हां नूं भलवानी करनी तोरीए कबड्डी करनी तोरीए ये मैं सरकार नू भी पूरी अपील करदा भी थोड़े जरिए सरकार नू पता लग जाए भी इस तरह के जेडे साडे पंजाबी मेले हैं इन्हां दे विच बड़ा उत्साह होगा जे आपां इन्हां नू कोई सहायता देईए अपने नाल कुछ पहलवान ने जेडे कि अंदर दंगल दे विच कुश्ती करके आए हैं तो इन्हां नाल आपां गल्लबात करते हैं नमस्कार भैया नमस्कार जी सर जो आजकल मतलब कि आप अभी कुश्ती करके आए हो इसमें मतलब कई बार होता है ना कि कोई पहलवान हार भी जाता है और कई बार कोई जीत भी जाता है अगर कोई हार जाता है उसको अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए मतलब कि उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए इस पर जो देखे जैसे जो हार जाता है उसको ये एक्सेप्ट करना चाहिए वो तो दिल पर लेता मगर उसको प्रैक्टिस बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आगे जाना चाहिए और उसको अगले दंगल मतलब नेक्स्ट उसको गिराना चाहिए वापस अपना जो सर जैसे कई बार मैं देख रहा हूँ आपके चोट भी लगी है ये देखिए इनके चोट वगैरह भी लग जाती है तो जो कई बार आपके चोट लग जाती है तो उसको ये आपका हौसले में कई बार देख के होता है कि हाँ हमें चोट लगी है हौसला कोई कम हो जाता है कुश्ती करते हुए हौसला तो नहीं कम होता है कब कभी हो भी जाता है मगर अब क्या करें जब सुबह उठना पड़ता है जल्दी प्रैक्टिस जब पहलवान बनना पड़ता है फिर सब कुछ बहुत कुछ होना पड़ता है ये तो लगती रहती पहलवानी में तो लगती रहती छाट चोट तो लगती रहती है धन्यवाद जी आगे भी कुछ पहलवानों से बातचीत करते हैं सर जिदा कि अजकल नौजवान पीढ़ी नशियां दे विच पै रही है मतलब कुश्ती वगैरह करने विच या कुश्ती देखने विच उन्हां नूं नशियां तो दूर रहने दी किन्नी सेध मिलती है की कहना चाहोगे इस बारे अज दी नौजवान पीढ़ी नूं आही है कि नशियां तो दूर रहो जी घर घरदियां दा नां बनाओ गेम करो कोई रैसलिंग करो कोई भी गेम करो वधिया करो नशियां तो दूर रहो अज दी नौजवान पीढ़ी बहुत नशियां दे विच पंजाब दे मुंडे बहुत नशे कर रहे हैं नशियां दे नशियां नूं छड्डो उन्हों छड्ड के अपने घरदियां दा नां बनाओ चाहे गेम करो पढ़ाई दे विच कोई भी है अपना घरदियां दा नां बनाओ जी धन्यवाद जी।